Hello everyone, welcome to our channel Optometry Concepts. After a long wait, we are ready with our another episode of accommodation. In this video, I am going to tell you about minus lens method, which is used to measure amplitude of accommodation. Okay, so minus lens responsible hota hai for stimulating accommodation. And in this method, we are finding the sustained blur point, which means लंबे समय तक किसी भी चीज को ब्लर देखना, चाह कर भी जब हम किसी चीज को क्लियर नहीं कर पाते हैं, that is sustained blur point. And this test is performed first monocularly and then binocularly. हमें ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि नियर विजन चार्ट, ट्रायल फ्रेम, ट्रायल लेंसेज एंड डिस्टेंस विजन करेक्शन. Now let's begin with the test. सबसे पहले पेशेंट को हम ट्रायल फ्रेम पहनाएंगे विथ डिस्टेंस विजन करेक्शन. आस्क हिम और हर टू होल्ड नियर विजन चार्ट एट 40 सेंटीमीटर एंड द टारगेट विल बी N6. अब जो पेशेंट की ओपन आई है उसमें हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हुए माइनस लेंस डालेंगे 0.25 के डिफरेंस में. फॉर एन एग्जाम्पल -0.25, -0.50, -0.75 एंड सो ऑन. और पेशेंट को हमें इन्फॉर्म करना है कि शुरुआत में आपको ब्लर दिख सकता है बट आपको उसे क्लियर करना है. एंड जैसे ही हम लेंस ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो क्लियर नहीं देख पाएंगे, जहां पे वो चाहकर भी उस ब्लर पॉइंट को क्लियर नहीं कर पाएंगे. दैट इज आवर फर्स्ट सस्टेन्ड ब्लर पॉइंट. सो एज वी गॉट आवर फर्स्ट सस्टेन्ड ब्लर पॉइंट, लेट्स डू द कैलकुलेशन. फॉर एन एग्जाम्पल हमें फर्स्ट सस्टेन्ड ब्लर पॉइंट -4 डायोप्टर पे मिला और हमने नियर डिस्टेंस रखा था 40 सेंटीमीटर जो कि इक्विवेलेंट है +2.5 डायोप्टर के. तो अब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे. ऐड करते वक्त हम माइनस साइन को इग्नोर करेंगे तो हमारा फाइनल आउटकम रहेगा +6.50 डायोप्टर, विच इज आवर फाइनल आंसर. तो इस मेथड के जरिए आप आसानी से निकाल सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन. इस तरीके के शॉर्ट क्रिस्प एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड कोई भी क्वेरीज एंड सजेशंस हैं डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. वी विल बी वेरी हैप्पी टू रीड दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू अस. वी विल मीट सून, सो स्टे ट्यून्ड विद अस.